सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें मिसलेनियस सॉरी 4.2 एक्सरसाइज वी हैव क्वेश्चन नंबर 12th. क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वलेंट टू 1 माइनस एक्स क्यूब द होल स्क्वायर. सो वेरी फर्स्ट थिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी भी एक रो में 1 1 1 मैंने आपको बताया था होना चाहिए, तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये देखना है कि वॉट एवर द राइट साइड इज देयर, हम ऐसी क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि जो राइट साइड पे हमारा वैल्यू है वो कुछ कॉमन आने के चांस हो उस चीज के. सो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो या सेकेंड रो माइनस थर्ड रो दोनों से काम हो सकता है, बट एक सबसे इजी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जितनी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं उन सबसे डिफरेंट है. अगर हम वो अप्लाई करें तो विद इन अ सिंगल स्टेप हमारा आंसर आ सकता है. अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ C1 टेंस टू C1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ C3, ध्यान रखिएगा मैंने C1 को C3 से माइनस नहीं किया, मैंने C1 को C3 के एक्स टाइम्स में से माइनस किया है, और उसका बेनिफिट क्या होगा अब ये भी देखते हैं. अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, C1 means 1, x square and x, इसमें से माइनस कर रहे हैं x times किसका, कॉलम 3 का, and the values of column 3 are x square, x and 1, remaining values will remain same, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो x 1 and x square, x and 1, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है ये भी देखते हैं. 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0, एक्स माइनस एक्स ये भी 0, तो बचा एक्स 1 एंड एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1. अभी देखिए दो प्लेसेस पे 0 बन चुके हैं. अगर आप चाहें तो 1 माइनस एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंड कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. सो आई विल एक्सपेंड along column 1. अगर मैं column 1 को लेके expand करता हूँ तो it will be 1 minus x cube multiply this into this means 1 minus this into this means x cube. अब same value दो बार multiply हो रही है तो we can write it 1 minus x cube the whole power 2 and that is your right hand side. यही हमें proof करना था इस question में. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विद द सेम एक्सरसाइज, बट उसके लिए मुझे वीडियो एक सेकंड के लिए पॉज करना पड़ेगा सो दैट आई कैन इरेज दैट. सो हम फिर से आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 13 सेम एक्सरसाइज, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा किसी भी रो से किसी भी कॉलम से, 1 1 1 भी नहीं है. ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. कुछ होते हैं ना हॉट्स वाले क्वेश्चंस कि हाँ देखने में पता नहीं लगता करना क्या है, कुछ कुछ वैसा सही है, बट हाँ ये जरूर है कि अगर मैं एक बार आपको बता दूंगा कि हाँ ये करना है तो इस टाइप का कोई अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेंड दैट क्वेश्चन. सो इन दिस केस अगर हम देखें कॉलम 1 में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बट मुझे जो कॉमन चाहिए वो चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर मैं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस 2b स्क्वायर करूं तो यहां बी स्क्वायर बन सकता है. Means, अगर कहीं पे माइनस वन है मुझे प्लस वन चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे प्लस टू करना पड़ेगा तभी मेरा वन आएगा, तो वन लाने के लिए मुझे प्लस टू करना पड़ेगा. तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है तो अगर कहीं से 2b स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा. तो अभी मुझे यही करना है देखने की प्लस 2b स्क्वायर कैसे आएगा. तो C1 टेंस टू C1 माइनस बी टाइम्स ऑफ C3. अब देखते हैं इससे बेनिफिट क्या होता है. दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ C3. बी टाइम्स ऑफ C3 मींस माइनस बी टाइम्स ऑफ माइनस 2b. अगर बी टाइम्स ऑफ माइनस 2b करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एंड बी इनटू बी स्क्वायर, तो दैट विल बी प्लस 2b स्क्वायर. सिमिलरली 2ab माइनस 2a टाइम्स ऑफ b बिकॉज दैट इज C1 माइनस बी टाइम्स ऑफ C3. तो अगर हम इसे लिखें 2ab minus b times of C3 and C3 is 2a, one of the same thing. अब 2ab minus b into 2a, b into 2a we can write it as twice of a into b. So the next one 2b minus b times of C3. अगर हम अब यहाँ apply करते हैं 1 minus a square minus b square, तो अभी देखते हैं क्या step होगा. This will be 2b minus b
प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस बी क्यू। अब 2b माइनस बी इज बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। अब आप देखें इन तीनों में से हमारा b कॉमन आ सकता है, तो b कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली ये सब सिंपलीफाई करने के बाद जो आएगा डायरेक्टली मैं वही मेंशन कर रहा हूं, b टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा भी डाउट हो तो बेटर इज दैट हल्का से रिवाइंड करना वीडियो को, अगेन चेक करना मैंने क्या कैलकुलेशन किया था, यू विल गेट टू नो कि ये कैसे आया। सो अभी नेक्स्ट अगर हम अप्लाई करें 2ab माइनस 2ab दैट विल बी जीरो, यहां जीरो आ जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, अगर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट एज प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहां पे इसको प्लस बी स्क्वायर मेंशन कर देता हूं। रिमेनिंग कहीं कोई चेंजेस नहीं है, हम सब कुछ वैसे ही लिख देंगे 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम इसे कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बचेगा 1 0b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए हम कॉमन ले चुके हैं, जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की थी फर्स्ट कॉलम के लिए वही प्रॉपर्टी मतलब उसी तरह से मिलती जुलती कुछ प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के लिए। तो सेकंड कॉलम में अगर हम देखें सेम प्रॉपर्टी कुछ ऐसे से अप्लाई हो जाए तो वी कैन राइट कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 प्लस a टाइम्स ऑफ कॉलम 3। अगर हम कॉलम 3 का a टाइम्स c2 के साथ ऐड करते हैं तो जो चीजें यहां हुई हैं सेम वो चीजें सेकंड कॉलम में भी होंगी, तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 10b एंड दिस इज 2ab प्लस a टाइम्स ऑफ माइनस 2b, दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ 2a माइनस 2a प्लस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे कैलकुलेशन यहां पे हुई थी सेम वैसी कैलकुलेशन यहां पे भी होंगी, 2ab माइनस 2ab ये स्टेप तो जीरो बन गया, तो दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10b एंड दिस स्टेप इज जीरो, दिस इज 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, अगेन इट विल बी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द लास्ट वन दिस वन मैं यहां करके दिखा रहा हूं बेटा माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। अब माइनस टू ए प्लस ए इज माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, इस पूरे में से अगर माइनस ए कॉमन है तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली यहां पे मेंशन कर रहा हूं माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस टू बी 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अगर ध्यान से देखो तो सेकेंड कॉलम में से भी कुछ कॉमन आ रहा है और सेकेंड कॉलम से जो कॉमन आ रहा है दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉमन लेने के बाद के जो स्टेप्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 बी 0 1 माइनस ए, दिस इज माइनस 2 बी 2 ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऐसा करने से यहाँ क्या हो गया, पहले ऑलरेडी कॉमन था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक और कॉमन आ गया तो उसका स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए मैंने इसकी पावर 2 कर दिया। ओके अभी देखिए दो प्लेसेस पे सिंगल रो या सिंगल कॉलम में जीरो नहीं बना है अभी तक, इसे बनाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि एक जीरो हम किसी तरह से बना पाए। तो अगर मैं यहां एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करूं R3 टेंड्स टू R3 प्लस A टाइम्स ऑफ R2 माइनस B टाइम्स ऑफ R1, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या स्टेप आने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2, दिस इज 1 0 माइनस 2b 0 1 2a। सो अगर हम ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो में सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसलिए फर्स्ट रो को और सेकंड रो को मैंने सेम लिख दिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी इन
रो थ्री में चेंजेस कैसे आएंगे, अब देखिए रो थ्री की वैल्यूज बी माइनस ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ रो टू, एंड रो टू की वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2a, देन माइनस बी टाइम्स ऑफ रो वन की वैल्यूज है 1, 0 एंड माइनस 2b। तो जब इसे सिंपलीफाई करेंगे दैट विल बी बी माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज माइनस ए प्लस ए दैट इज 0, दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सो इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो रिजल्ट विल बी 0 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दो प्लेसेस पे 0 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, नाउ वी हैव टू जस्ट एक्सपैंड दिस बाय यूजिंग इवन इधर कॉलम वन और रो थ्री, व्हाट एवर यू वांट। सो अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके एक्सपैंड करें आंसर सेम आएगा, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी पावर 2 था, एक पावर और आ गया दैट इज पावर 3, तो इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3। सो दैट इज योर राइट हैंड साइड जो कि आपको प्रूफ करना था, दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14, सेम एक्सरसाइज, वी हैव टू शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 1 1 नहीं है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, और कुछ डायरेक्टली कॉमन भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा ये क्वेश्चन भी। सबसे पहले अगर मैं रो वन में ए से मल्टीप्लाई कर दूं, रो वन टेंस टू ए टाइम्स ऑफ रो वन, रो टू टेंस टू बी टाइम्स ऑफ रो टू एंड रो थ्री टेंस टू सी टाइम्स ऑफ रो थ्री। मैंने रो वन में ए से मल्टीप्लाई किया, रो टू में बी से मल्टीप्लाई किया और रो थ्री में सी से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट विल बी ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस वन, दिस इज ए स्क्वायर इंटू बी दिस इज ए स्क्वायर इंटू सी एंड दिस इज ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बी मल्टीप्लाई दिस इज that was 1 plus b square, so question was wrong, but now it's right. B multiply 1 plus b square, then b multiply bc is b square c, then this is c square a, c square b and c into c square plus 1. So अब किसी भी पॉलिनोमियल में या कहीं पे भी हम अपनी मर्जी से कोई चीज मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते कि मुझे 2c चाहिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अरे भाई इक्वेशन बैलेंस करनी है तो जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस स्केलर वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी स्केलर वैल्यू से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन साथ में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैंने ए बी और सी तीनों से मल्टीप्लाई किया तो तीनों को एक एक बार डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो मैंने 1 बाय ए बी सी डिटर्मिनेंट के बाहर मेंशन कर दिया है। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था रो में, अब मैं कॉमन लूंगा कॉलम से, देखिए उसके बाद क्या बेनिफिट होगा। तो आई राइट कॉमन ए फ्रॉम कॉलम वन एंड बी फ्रॉम कॉलम थ्री एज वेल एज सी फ्रॉम बी फ्रॉम कॉलम टू सॉरी एंड सी फ्रॉम कॉलम थ्री। ए से ए बी लिया फर्स्ट कॉलम से, बी लिया सेकंड कॉलम से और सी लिया थर्ड कॉलम से, तो बाहर आ गया ए बी एंड सी। ऑलरेडी ए बी सी डिनोमिनेटर में था, वहां पे लिख देंगे हम, यहाँ से ए कॉमन जा रहा है तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन एंड सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन। अभी आप देखिए ए बी सी से ए बी सी हमारा पूरा कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग बचे हुए में अगर मैं अप्लाई करूं आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अगर मैं R1, R2, R3 को ऐड करता हूँ तो इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास रहेंगी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अभी फर्स्ट रो से अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट विल बी 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1
बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन। अभी वन 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 आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर वन 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 आ जाता है तो हम एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक क्या होगी, C1 tends to C1 minus C3 and C2 tends to C2 minus C3। अगर मैं ये ट्रिक अप्लाई करता हूँ, ये प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है 1 plus A square plus B square plus C square multiply determinant 1 minus 1 0, B square minus B square 0, C square minus this is minus 1, this is 0, this is 1, this is minus 1, 1 B square and C square plus। अब दो प्लेस पे जीरो बन चुका है, फर्स्ट रो में भी और फर्स्ट कॉलम में भी, जिसमें भी आप चाहें उसको लेके एक्सपांड कर सकते हैं, द रिजल्ट विल बी 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, दैट वाज योर राइट हैंड साइड। सो दैट्स द वे हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन।